मित्रों नमस्कार, निर्णय अकादमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं इतिहास टीचर अरुण तिवारी आपके साथ आज हड़प्पा सभ्यता पर चर्चा करूंगा। मित्रों, आप लोगों की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने हड़प्पा सभ्यता को दो भागों में, दो खंडों में पढ़ाने का निर्णय लिया है। अभी इस क्लास में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के प्रथम भाग पर चर्चा करेंगे। मित्रों, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इस भाग में हम लोग सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का नामकरण, सामान्य विशेषताएं, भौगोलिक विस्तार, तथा प्रमुख स्थल इन्हीं पर चर्चा करेंगे। मित्रों, सबसे पहले हम हड़प्पा सभ्यता के नामकरण पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों से यह बनता है कि सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों है? तो मित्रों, इसका उत्तर है क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई के पश्चात यह सभ्यता प्रकाश में आई, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। मित्रों, आप लोगों को यह भी बता दें, हड़प्पा नामक टीला की खोज सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन महोदय ने की थी। चार्ल्स मैसन, आप लोगों को यह भी बता दें, सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्ववेत्ता दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई शुरू की गई, जिसके परिणाम स्वरूप ये सभ्यता प्रकाश में आई। प्रथम उत्खनित स्थल हड़प्पा था, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। मित्रों, आप लोगों को ये भी बता दें, हड़प्पा सभ्यता को अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता को सैंधव सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, ही कहा जाता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में तो इसको एक और संज्ञा से संबोधित किया जाता है, और इस सभ्यता को कहा जाता है सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्या नामकरण है? सिंधु सरस्वती सभ्यता। विद्वान इतिहासकार आजकल ये कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने स्थल खोजे गए हैं उनमें से अधिकांश सिंधु तथा सरस्वती नदियों के दोआब क्षेत्र में थे, इसीलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाना चाहिए। और एक नई बात, वर्तमान समय में तो यह भी कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने स्थल खोजे गए हैं उनमें से लगभग 80% स्थल कभी सरस्वती नदी घाटी के क्षेत्र में थे, इसीलिए आजकल इसे सरस्वती सभ्यता के नाम से भी संबोधित किया जा रहा है। मित्रों, अभी हाल ही में एक प्रश्न पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल
किस नदी के तट पर स्थित थे? तो उसका उत्तर होगा सरस्वती नदी के तट पर स्थित थे। मित्रों, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, वर्तमान समय में यदि आप एनसीईआरटी का अध्ययन करें तो उसमें इस बात को स्वीकार किया जा चुका है। यद्यपि अभी यही नहीं पता है कि सरस्वती कहां से प्रवाहित हो रही थी, लेकिन हमारा आपका कार्य सिर्फ इतना है कि हम अपने प्रश्नों को सही करें। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस नदी के तट पर स्थित थे, तो उसका उत्तर हम आप करेंगे सरस्वती नदी के तट पर। तो मित्रों, हमने सबसे पहले आपको हड़प्पा सभ्यता के तहत क्या बताया? नामकरण। हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता तथा सरस्वती सभ्यता, इतने नामों से संबोधित किया जाता है। ठीक है मित्रों, अब इसके बाद हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में सामान्य जानकारी जानेंगे। सबसे पहली बात, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो मित्रों, हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है। प्रथम नगरीय सभ्यता है, भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता। दूसरी विशेषता, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, यानी कि हड़प्पा काल की सर्व प्रमुख धातु कौन सी है? कांसा है। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। इसी समय आप लोग ये भी जान लें, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहा धातु का ज्ञान नहीं था, लोहे का ज्ञान नहीं था। एक प्रश्न पूछा जाता है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहे धातु का ज्ञान नहीं था। दूसरी बात, हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। कैसी है? आद्य ऐतिहासिक। मित्रों, आद्य ऐतिहासिक किसे कहते हैं? जब हम किसी सभ्यता का काल निर्धारण, समय का निर्धारण लिपि के आधार पर, लेखन के आधार पर करते हैं, तो उसके तहत आद्य ऐतिहासिक शब्द आता है। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता उस सभ्यता को कहा जाता है जिस सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान तो हो और उन लोगों ने उस लिपि में अपने विषय में ढेर सारे अभिलेख छोड़ रखा हो, लेकिन अभी तक उस लिपि को पढ़ा ना जा सका हो, तो ऐसे काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। आप लोगों को मित्रों ज्ञात होगा कि हत्पाई लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था, हड़प्पाई सब स्थलों से ढेर सारे अभिलेख पाए भी गए हैं, लेकिन अभी तक उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। और आपको मित्रों बताएं, अब अगर हम ये देखें कि हड़प्पा सभ्यता का कालखंड क्या है, इसका समय क्या है, तो मित्रों अलग अलग विद्वानों की अपनी अलग अलग राय है कि हड़प्पा सभ्यता का समय क्या है। तो एक सामान्य सी अवधारणा है, सामान्य सी अवधारणा ये माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता 2350 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य मौजूद थी। हड़प्पा सभ्यता का समय क्या है? सामान्यतः 2350 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य। ठीक है, एक जो वैज्ञानिक पद्धति है रेडियो कार्बन 14 के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल 2300 से 1750 ईसा पूर्व
माना जाता है। तो मित्रों यह है हड़प्पा सभ्यता का काल। अब इसी समय एक प्रश्न और कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे, हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे। तो मित्रों इस संदर्भ में विद्वानों की दो राय है हड़प्पा सभ्यता के निर्माता। शुरू शुरू में यह अवधारणा थी कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता विदेशी थे। कौन थे? विदेशी। और ऐसे विद्वानों का मानना था कि मेसोपोटामिया सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया, ऐसा माना जाता था। लेकिन मित्रों ये अतीत की बात है, वर्तमान समय में हड़प्पा सभ्यता के निर्माता से संबंधित ये जो विदेशी वाला कांसेप्ट था ये अब समाप्त हो चुका है। वर्तमान समय में हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के संदर्भ में क्रमिक विकास का कांसेप्ट आया है। क्रमिक विकास यानी कि यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव इसी भारत देश की उत्तर पश्चिम क्षेत्र की ग्रामीण संस्कृतियों के क्रमिक विकास के परिणाम स्वरूप हुआ। यानी कि शुरू शुरू में ग्रामीण बस्तियां थी, वे ग्रामीण बस्तियां डेवलप करके कस्बे का रूप ली और यह कस्बा धीरे धीरे नगर का स्वरूप प्राप्त किया। यानी हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कोई विदेशी नहीं अपितु स्वदेशी थे, इसी भारत भूमि के लोग थे। ठीक है मित्रों, अब हम लोग ये देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार क्या था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता भारत के, या भौगोलिक विस्तार से पहले आप लोग एक बात और जान लें, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रजाति के थे, ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रजाति के थे? मित्रों आपको यही बता दें, उद्भव से संबंधित भी एक प्रश्न पूछा जाता है। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से विद्वानों का क्या मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये प्रश्न पूछा जाता था जब ये कॉन्सेप्ट था कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता विदेशी थे। तो विदेशियों में किसे माना जाता था? मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों को। लेकिन आज की डेट में यह कॉन्सेप्ट स्वीकार नहीं किया जाता। मित्रों इसी समय हम लोग ये देख लें कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रजाति के थे। तो वैसे तो हड़प्पाई स्थलों से, हड़प्पा सभ्यता से चार प्रजातियों के नर कंकाल पाए गए हैं, चार प्रजातियों, मंगोलॉयड, ऑस्ट्रेलॉयड, एल्पाइन और चौथा भूमध्य सागरीय। तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता से किन प्रजातियों के नर कंकाल पाए गए, तो आपको आंसर करना है चार प्रजातियों के नर कंकाल पाए गए हैं। कौन कौन? मंगोलॉयड, ऑस्ट्रेलॉयड, एल्पाइन, भूमध्य सागरीय। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन चारों प्रजातियों में से मुख्य कौन थे, यानी अधिकांश नरकंकाल किस प्रजाति से हैं? तो मित्रों उसका उत्तर है भूमध्य सागरीय प्रजाति। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग सामान्यतः भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। किस प्रजाति के? भूमध्य सागरीय प्रजाति के।
यानी कि 90% से अधिक नर कंकाल भूमध्य सागरीय प्रजाति से संबंधित हैं। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सामान्यतः किस प्रजाति के थे, तो इसका उत्तर होगा भूमध्य सागरीय प्रजाति के। ठीक है मित्रों, हम लोग ये देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार क्या था, यानी कि यह हड़प्पा सभ्यता किन भौगोलिक क्षेत्रों में फैली थी। तो आप लोगों को हम बता दें, अगर सबसे पहले बहुत मोटी सी बात, हड़प्पा सभ्यता वर्तमान समय के तीन देशों में फैली थी, वर्तमान समय के तीन देशों में। सबसे नंबर एक अफगानिस्तान, कहां? अफगानिस्तान। इसी समय आप लोगों को बता दें, अफगानिस्तान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित दो स्थलों की खोज की जा चुकी है। पहला मुंडी गाक और दूसरा तोर्तुगई। आप लोगों से एक प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाई स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? ध्यान रखिएगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक विकल्प होगा, मुंडी गाक अथवा तोर्तुगई। तो हड़प्पा सभ्यता, हमने आपको बताया कि वर्तमान समय के तीन देशों में फैली थी। हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार वर्तमान समय के तीन देशों में था, पहला अफगानिस्तान और दूसरा पाकिस्तान। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के तीन प्रांतों में विस्तृत थी, तीन, कौन कौन? पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है, और तीसरी बात, जो तीसरा देश है वो है भारत। तो हड़प्पा सभ्यता वर्तमान समय के तीन देशों, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, तीन देशों में फैली थी। अफगानिस्तान से दो स्थलों की खोज की गई है, पाकिस्तान के पंजाब, सिंध तथा बलूचिस्तान तीन प्रांतों से, और भारत के जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तथा महाराष्ट्र। इन प्रांतों से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थलों की खोज की जा चुकी है। मित्रों, ये प्रश्न बराबर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से भारत के किस प्रांत से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं प्राप्त हैं? तो देखो, भारत में तो ढेर सारे प्रांत हैं, अब सबको कहां कहां से नहीं है ये काउंट करना कठिन है, बस कहां कहां से मिला है इसको ध्यान दीजिए। तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन्हीं सात प्रांतों से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थलों की खोज की गई है। मित्रों, आपको बताएं, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित आज तक लगभग 1400 नगरों की खोज की जा चुकी है। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी स्थल खोजे गए हैं वे अपने कालखंड में कभी नगर क्षेत्र हुआ करते थे, ग्रामीण क्षेत्र नहीं, नगर क्षेत्र, क्योंकि हमने आपको पहली लाइन में बताया था हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के जितने स्थल हैं वह सब नगर क्षेत्र थे। तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित अद्यतन लगभग 1400 नगरों की खोज की जा चुकी है, और इसमें से
लगभग 975 नगर आपके भारत देश में स्थित हैं। और ये भी मित्रों, आपके भारत में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक स्थल गुजरात राज्य से खोजे गए हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य से प्राप्त हैं? तो उसका उत्तर होगा गुजरात राज्य से। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक स्थल भारत के गुजरात राज्य से प्राप्त हुए हैं। मित्रों, अगर इस सभ्यता के चारों दिशाओं में, यानी कि पूर्वी छोर, पश्चिमी छोर, उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर की अगर हम बात करें, तो इसे हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं, क्योंकि यहां से आपका प्रश्न बनता है। प्रश्न बनता है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर पर स्थित नगर कौन सा था, या सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित नगर कौन सा था, ऐसे ही पूर्वी या पश्चिमी। इसको आप एक डायग्राम से समझ सकते हो। अगर हम सबसे उत्तरी छोर की बात करें, तो सबसे उत्तर में मांडा नामक नगर था। मांडा, मांडा आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है। कहां है? जम्मू। और सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित दैमाबाद, ये दैमाबाद आपके महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र। सबसे पश्चिमी छोर पर स्थित स्थल सुतका गेंडोर था। कौन सा? सुतका गेंडोर। ये सुतका गेंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। और सबसे पूर्वी छोर पर स्थित नगर आलमगीरपुर है। और ये आलमगीरपुर आपके उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। तो ये है हड़प्पा सभ्यता के चारों छोर पर स्थित नगर। ये हड़प्पा सभ्यता पूरब से पश्चिम लंबाई वाली, ये पूरब से पश्चिम लंबाई वाली थी। और ये कुल मिलाकर लगभग 1600 किलोमीटर लंबी, उत्तर से दक्षिण चौड़ाई वाली, यानी कि लगभग 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। और इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल लगभग 13,00,000 वर्ग किलोमीटर था। कितना? 13,00,000 वर्ग किलोमीटर था। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल पूछा जाता है, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था? हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल लगभग 13,00,000 वर्ग किलोमीटर था। और दूसरी बात, हड़प्पा सभ्यता एक त्रिभुजाकार, लगभग त्रिभुजाकार भौगोलिक क्षेत्र में फैली थी। इसी समय एक प्रश्न और जान लीजिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला नगर कौन सा था, जिसका सर्वाधिक क्षेत्रफल रहा हो। तो ध्यान रखिएगा, आंकड़े बिल्कुल बदल गए हैं। वर्तमान समय में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला नगर राखीगढ़ी है। कौन सा स्थल है? राखीगढ़ी। ये आपके हरियाणा राज्य में स्थित है। इसी के साथ साथ एक बात और जान लीजिए, हड़प्पा सभ्यता का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला नगर, तो ये भी आप जान लीजिए, वो है अली मुराद। कौन सा है? अली मुराद। ये हड़प्पा सभ्यता का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला नगर है, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक मित्रों, तो मुझे लगता है आप लोग हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार समझ गए होंगे। अब हम आप लोगों के साथ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थलों की बात करेंगे। ये देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के वे प्रमुख स्थल कौन थे, कहां स्थित थे,
किस नदी के तट पर स्थित थे, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, वैसे तो हम आपको बताएं कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित अभी तक लगभग 1400 स्थलों की खोज की जा चुकी। अब इन 1400 का अध्ययन करना हमारे आपके बस की बात नहीं है, और ना ही सारे स्थलों से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम आपके साथ कुछ 10-12 स्थलों की चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उनसे संबंधित प्रश्न आने की संभावनाएं रहती। या हम आप लोगों को नगर यानी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो स्थल है, पहले कालम में नगर का नाम दूसरे कालम में हम लोग वर्तमान समय में वह कहां है, और तीसरे कालम में ये देखेंगे कि वह किस नदी के तट पर स्थित था, नदी तट, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, अगर हम पहले स्थल की बात करें, सबसे पहले तो जो हम पहला स्थल आपके साथ चर्चा करेंगे वो है हड़प्पा। हड़प्पा, हड़प्पा वर्तमान समय में कहां है? हड़प्पा वर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कहां, पाकिस्तान, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मॉन्टगोमरी जिले में है। कहां है? मॉन्टगोमरी। ठीक है, और यह किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के बाएं तट पर। कौन सी नदी है? रावी नदी। ये प्रश्न बराबर पूछा जाता है कि हड़प्पा कहां स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मॉन्टगोमरी जिले में स्थित है। फिर प्रश्न पूछता है हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। और यह भी कभी कभी पूछ लेता है रावी नदी के किस तट पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा बाएं तट पर। किस? बाएं तट पर स्थित है। ठीक है मित्रों, क्योंकि हड़प्पा महत्वपूर्ण है इसीलिए भी आप जान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कौन करवाया। तो हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन दयाराम साहनी ने करवाया। कौन? दयाराम साहनी ने। इसका उत्खनन कब शुरू करवाया ये भी जान लीजिए, 1921 ईस्वी। ठीक है, अब हम लोग दूसरा स्थल जो देखेंगे महत्वपूर्ण है वो है मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण है, मोहनजोदड़ो कहां है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है, और किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर, सिंधु। और ध्यान रखिएगा यह सिंधु के दाएं तट पर स्थित है, दाएं तट पर। और इसका उत्खनन किसने करवाया था? राखाल दास बनर्जी ने, राखाल दास बनर्जी ने तब शुरू करवाया था 1922 ईस्वी। ठीक, अब इसी समय हम लोग एक और स्थल देखें, सुतका गेंडोर
अभी जस्ट मैं आपसे बात किया था, सुत का गेंडोर का संबंध और भी है। क्या है सुत का गेंडोर? हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर पर स्थित नगर था सुत का गेंडोर। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। कहां है? बलूचिस्तान में। और किस नदी के तट पर स्थित था? दास्क नदी के तट पर। किस नदी के? दास्क नदी के तट पर स्थित था। ठीक है मित्रों, इसी समय हम लोग एक और स्थल देखें, चन्हूदड़ो। आप लोगों ने नाम सुना होगा क्या? चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और ये सिंधु नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, इसी समय हम लोग एक और स्थल देख लें, रोपड़ कहां है? भारत के पंजाब प्रांत में। रोपड़ भारत के पंजाब प्रांत में। और ये किस नदी के तट पर है? सतलज नदी के। किस नदी के? सतलज नदी के तट पर स्थित है। ये पांच स्थल आप लोगों ने देखा होगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुत का गेंडोर, चन्हूदड़ो, रोपड़। मित्रों, इसी समय हम आपके साथ और कुछ स्थलों की चर्चा करते हैं। आगे अब हम जो चर्चा करने चल रहे हैं वो है आपका लोथल। कौन सा नगर? लोथल। लोथल कहां है? भारत के गुजरात राज्य में। कहां? गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में। अहमदाबाद जिले में है। और ये किस नदी के तट पर स्थित था? बहुत अधिक ये प्रश्न पूछा गया है, भोगवा नदी के तट पर। इस नदी पर? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसका उत्खनन कौन करवाया था यह भी जान लीजिए, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, रंगनाथ राव। कौन? रंगनाथ राव। ठीक है मित्रों, इसी समय आप लोग जान लीजिए एक स्थल और, रंगपुर। ये भी आपके गुजरात राज्य में स्थित और ये जानते हैं किस नदी के तट पर स्थित है? ये है मादर नदी के तट पर। कौन सी नदी है? मादर नदी। मित्रों, आपको हमने बताया था मांडा जम्मू कश्मीर राज्य में है और ये किस नदी के तट पर स्थित है? चिनाब नदी के तट पर स्थित है। चिनाब। मांडा किस लिए जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर पर स्थित नगर है। इसके बाद हम आपके साथ इसी समय आलमगीरपुर की चर्चा कर लें। आलमगीरपुर कहां है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। और ये किस नदी के तट पर है? ये आपके हिंडन नदी के तट पर स्थित है। हिंडन नदी। ये भी बहुत अधिक प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है मित्रों, तो ऐसे ही कुछ स्थल ऐसे हैं जो किस नदी के तट पर स्थित हैं, ये प्रश्न आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, इस खंड में हम आपके साथ सिर्फ इतनी ही चर्चा करेंगे। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित शेष चर्चा हम आपके साथ अगले खंड में करेंगे।